दोस्तों अपने अगले मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की प्लेइंग 11 पूरी तरह बदल दी है। दोस्तों आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स अपना अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेलेगी। दोस्तों चेन्नई की टीम अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस से जीतकर आ रही है, मगर जीत के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बड़े नामों को मौका दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं सीएसके की फाइनल प्लेइंग 11। दोस्तों आपको बता दें, सीएसके के लिए एक बार फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ओपनिंग करते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के खिलाफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी, मगर दोस्तों अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में ओपनिंग करते नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको रचिन रविंद्र को बता दें कि रचिन रविंद्र ने शुरुआती मुकाबलों में तो काफी अच्छी पारियां खेली थी, मगर उनकी बाद की पारियां काफी खराब रही। अब देखना होगा रचिन रविंद्र इस मुकाबले में चल पाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों नंबर 3 पर एक बार फिर अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ ओपनिंग की थी, मगर वहां पर भी कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं कर पाए थे, इसलिए एक बार फिर अजिंक्य रहाणे सीएसके के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, सीएसके की टीम में अगर कोई बल्लेबाज लगातार रन बना रहा है तो वो है शिवम दुबे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे आईपीएल 2024 में काफी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। नंबर 5 पर मोइन अली बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों आपको बता दें, सीएसके की टीम ने डाली मिचेल को बाहर कर मोइन अली को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। नंबर 6 पर समीर रिजवी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, समीर रिजवी को आईपीएल में बल्लेबाजी करने का मौका अभी तक ज्यादा नहीं मिला। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 8 पर एमएस धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ 4 बॉलों में 20 रन बनाए थे, और दोस्तों उस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी के रन जीत के लिए काफी अहम साबित हुए। तो दोस्तों ये थी सीएसके टीम की दमदार बल्लेबाजी। अब आपको बताते हैं सीएसके टीम की गेंदबाजी। तो दोस्तों आपको बता दें, सीएसके की टीम ने शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दीपक चहर को एक बार फिर टीम में शामिल कर लिया है। वहीं पर दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान और मथीसा पथिराना भी गेंदबाजी का मुहूर्त संभालते नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों सीएसके टीम के इंपैक्ट खिलाड़ी की भूमिका तुषार देशपांडे निभाते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी सीएसके टीम की फाइनल प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, सीएसके की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा पाती है या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।